हमारे परिवार में, हम हमारे मोहल्ले में, हम हमारी सोसाइटी में, हम हमारे कॉलोनी में, हम हमारे सेक्टर में अच्छे से व्यवहार नहीं रख रहे, अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो दुनिया में जब हम संसार के लोगों से अच्छे से नहीं मिल रहे तो परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त हो। और तुलसी बाबा तो अपनी रचना में लिखते हैं, तुलसिया संसार में सबसे मिलिए, धाय ना जाने किस वेश में नारायण मिल। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि सबसे प्रेम से मिल, सबसे प्रेम से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने वार होते हैं, जम के बोलो, जम के बोलो, कितने, आठ। कितने होते हैं, आठ बार होते हैं। शनिवार, अपन रविवार से चालू कर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और परिवार, सात वार से भी बड़ा वार है कौन सा, परिवार। हम शनिवार को ये नहीं खाएंगे, रविवार को हमारा व्रत है, सोमवार को हम मंदिर जाएंगे, मंगलवार को उपास है, बुधवार को गणेश जी को मनाएंगे, गुरुवार को गुरु जी के यहाँ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता को मनाएंगे, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ पहुंच जाएंगे। सात बार से बड़ा हुआ एक बार और है, वो हमारा परिवार है, उसमें भी हम रहकर सबको रिझाएंगे, ये बार होना चाहिए। हम ऑफिस में बैठकर अपनों को रिझा रहे, हम ऑफिस में बैठकर दुनिया के लोगों को रिझा रहे, हम अपने क्लाइंट को रिझा रहे, हम अपने इनको रिझा रहे, उनको रिझा रहे, सबको रिझाने में लगे हैं, पर अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे, हम अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। सात बार से बड़ा एक बार और है, और वो है हमारा, जम के बोलो, तो वो साला सर जी में एक भजन चलता है, साला सर जी में एक भजन गाते हैं कि मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार। साला सर जी में एक भजन बड़े प्रसिद्ध भाव में लोग गाते हैं, वहां सात बार में एक बार और है, वो है हमारा परिवार, उसको साथ। पीछे देखो, शंकर भगवान के पीछे का जो पर्दा है उसको देखिए, ब्रह्मा जी का परिवार कभी देखना, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु का परिवार देखना, भगवान विष्णु के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र का परिवार देखना, इंद्रदेव के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। गरुण वरुण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान राम जी का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में, किसी फोटो में उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। केवल एक है मेरे देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी पर सबको प्रेरणा देते हैं कि परिवार को लेकर चलना है, फिर आगे बढ़, परिवार को लेकर चलना, अपने कुटुंब को लेकर चलना, अपने परिवार को लेकर चलना। आज के जमाने में परिवार टूटता जा रहा है। सात दिन में एक दिन ऐसा बनाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर भोजन करिए, एक जगह बैठिए, आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में
संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना। ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है, हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत साधु। हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर रखे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्मरूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर, एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्योंरी मेरी हरियाणा की जीजी हो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे, तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर? के 5। बहुत जोरदार। लड़के के ताऊ? के 3 ताऊ हैं। बहुत बढ़िया। मौसी? 4 मौसियां, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे, कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के जमाने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे, लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार, छोटा देखो, फिर छोटा देखा। कौन कौन है? सास ससुर हैं, लड़का है और लड़के की बहन है, और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे
केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कह बस यही पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा विचार। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में, मोबाइल कौन कौन चलाता है, हाथ उठाओ जल्दी से, सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने हैं तुम्हारे, जम के बोलो जरा, कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? दो से जुड़ी हो, चार से, छह से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में चार पांच ग्रुप तो जुड़े होंगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे, फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग लगभग हजार नंबर तो जुड़े ही होंगे। बोलो सही है कि गलत है, जम के बोलो जरा। इंस्टाग्राम पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे, फेसबुक पर भी लगभग लगभग 200-400 लोग तो जुड़े होंगे, बोलते जाओ सही है कि गलत है। यूट्यूब पर भी तुमसे 200-500 लोग जुड़े होंगे। अब दिन भर तुमने समय दिया अपने मोबाइल को, अपने व्हाट्सएप के मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, अपने इंस्टाग्राम के मित्रों को, दिन भर समय दिया। सवेरे से उठे, मोबाइल निकाला, आँख तो खुली नहीं थी, बटन दबा के सबको हेलो हाय भेज दिया, गुड मॉर्निंग भेज दिया, सो रहे थे सोते सोते भी गुड नाइट भेज दिया, दिन में 2-4 मैसेज तुमने कर दिया, सबको जोड़ा, सबको जोड़ा। ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए, 2025 आ जाएगा वो भी चले जाएगा, 2026, और मालूम पड़े एक दिन, मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल चले गए तो किसी तुम्हारे चाहने वाले ने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट में है, और व्हाट्सएप पर डाल दिया। अब जितने लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे फेसबुक पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे यूट्यूब पर जुड़े थे, उसमें से अगर 5 लोग भी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाए, तुम्हारा दुख कम करने आ जाए, तो बता देना जिसको तुमने समय दिया दिन भर मोबाइल पर लगे रहे वो तुम्हें हॉस्पिटल में संभालने नहीं आएंगे, पर जो घर की पत्नी थी, जो घर के बच्चे थे, जो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य थे, उनको एक मिनट का समय नहीं दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल भी वही लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन रात एक वही करेंगे और संभालेंगे, तुम्हें कोई दूसरा नहीं संभालेगा। अपने परिवार को तुमने समय नहीं दिया, दूसरे को समय दिया, दूसरे को समय दिया, उसने नहीं संभाला, पर परिवार के व्यक्ति को समय देते तो वो संभाल लेते, वो संभाल। और मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना, मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना, मैं कटी। 7 वारों में 1 बार और है, और वो हमारा, जम के बोलो जम के, उसको समय दीजिए। तो उस परिवार का एक सदस्य और है, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है,
सब कोई है। परिवार में, अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य बना, उसको अपने परिवार का सदस्य। जब वो परिवार का सदस्य बन जाएगा ना, दुख नहीं आने देगा। एक पत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुबरेश्वर धाम सीहोर में। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।